मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां पंचायत चुनाव के प्रचार प्रसार का शोर आज थम चुका है। समय जितना भी मिला, लेकिन सभी ने अपनी अपनी तैयारी उस दौरान की। अब सभी को परीक्षा और उसके परिणामों का इंतजार है। वहीं आज पंचायत चुनावों में कांग्रेस बीजेपी की भूमिका और उनकी जीत की आश्वासता को लेकर आज हम बात करेंगे बीजेपी से जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर जी से और कांग्रेस से धार जिले के जिलाध्यक्ष हेमंत पाल जी से। सबसे पहले बात करेंगे राजेश जी आपसे, जहाँ पर बहुत बहुत स्वागत आपका एमपी न्यूज़ में, और पूछना चाहूंगी कि पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का शोर आज थम चुका है। बीजेपी लगातार पंचायत चुनाव में अपना दम दिखाती नजर आई है, जहां पर प्रचार प्रसार थमने के बाद और उसका शोर थमने के बाद आप कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विकास का काम हुआ है, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, उसका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को निश्चित रूप से मिलने वाला है। अभी हम देखें, नगर परिषदों में, जनपद क्षेत्रों में, ग्राम पंचायत क्षेत्र में हमारे कई प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीते हैं। ये इसी बात का प्रमाण है कि कांग्रेस के लोग वहां पर चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार नहीं हुए, क्योंकि कांग्रेस के पास बताने के लिए भी कुछ नहीं है। जनता जानती है कि गाँव का विकास अगर संभव है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तो माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में ही है। आज ग्रामीण क्षेत्र का पूरा स्वरूप जो हम बदलता हुआ देख रहे हैं, वो प्रदेश भारतीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में ही बदल रहा है। आवश्यकताएं कभी विकास की समाप्त नहीं होती है, बस सही है, हमको और भी बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। वो सब काम होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही होगा, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में होगा, ये प्रदेश की जनता जानती है। इसलिए निश्चित रूप से हमको उनका आशीर्वाद मिलेगा, वो आशीर्वाद जीत के रूप में तब्दील होगा। हमने सरकार की जितने भी जनकल्याणकारी योजना है उसको नीचे तक जनता तक पहुंचे, विकास प्राथमिकता के आधार पर, जहाँ भी गांव में जो प्राथमिकता के आधार पर पहले काम करने की आवश्यकता है, उन कामों को हम सूचीबद्ध करके योजनाबद्ध तरीके से कर सकें। सरकार का जो पैसा ग्राम पंचायत के विकास के आता है उसका सही उपयोग हो, इस तरह की चीज को ध्यान में रखते हुए हम काम कर रहे हैं। तो निश्चित ही हम इस चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, चाहे वो जिला पंचायत हो, जनपद हो या ग्राम पंचायत। सर, पूछना चाहूंगी किन मुद्दों को लेकर बीजेपी इस बार जनता के बीच गई है और क्या लगता है आपको संबंधित प्रत्याशियों को जनता का आशीर्वाद मिलेगा? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसे राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, हमारे रचनात्मक और सामाजिक कार्यकर्ता जो 365 दिन जनता की सेवा में लगे रहते हैं। कोरोना काल में भी लोगों ने देखा प्रत्यक्ष रूप से हमारे एक एक कार्यकर्ता ने लोगों की सेवा करने में जिस तत्परता से काम किया है। उसके अलावा अगर हम सामाजिक कामों की भी बात करें तो चाहे स्वच्छता की बात हो, वृक्षारोपण जैसे कामों की बात हो, समाज को के साथ में खड़े रहकर काम करने वाला हमारा कार्यकर्ता होता है। शासन की योजनाओं को भी लोगों तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात काम करता है। हमने गाँव के विकास के लिए भी जिस प्रकार से पूरा, मैंने जैसा कहा भी आपको कि पूरी योजना बनाकर हमने काम किया है, इसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की इस चुनाव में प्रचंड बहुमत जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे कांग्रेस जिला अध्यक्ष हेमंत पाल जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सर, सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का शोर अब थम चुका है, कांग्रेस लगातार पंचायत चुनाव में अपना दम दिखाती नजर आई है, जहाँ पर अब प्रचार का शोर थमने के बाद आपको क्या लगता है आप कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? ये पहले चरण के 25 तारीख का जो चुनाव, उसमें चुनाव थम गया है, पर जिला कांग्रेस का प्रभारी होने के नाते में धार जिले के अंदर जहाँ भी परसों चुनाव है, उस चुनाव के अंदर सब जगह कांग्रेस का परचम लहराने वाला है। मैं अभी फिलहाल में मनाओर विधानसभा क्षेत्र में हूँ, यहाँ 4 जिला पंचायत है। चारों जिला पंचायत के अंदर पूर्ण आश्वस्त है हमें कि चारों में से चारों जिला पंचायत कांग्रेस के बना रहे हैं, और जिले के अंदर भी जिला पंचायत, जिला सरकार जो हमारी है कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। सर, पूछना चाहूंगी किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस इस बार जनता के बीच गई है और क्या लगता है आपको समर्थित प्रत्याशियों को जनता का आशीर्वाद मिलेगा? जनता के बीच में सबसे पहला मुद्दा जो है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किसान बहुत परेशान है, गरीब परेशान है, गरीबों को महंगाई का जो मुद्दा है सबसे बड़ा, गैस सिलेंडर जैसे है ना, हमारा तेल महंगा है, सारी जनमानस को जितनी भी उपयोगिता की चीजें हैं वो इस भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और शिवराज सरकार ने पूरा ध्वस्त कर दिया, और लोग परेशान है महंगाई को लेके, है ना, खाद बीज किसानों को मिल नहीं रहा है ना, बहुत सारी पेंशन योजनाएं जो बोल रहे हैं, पेंशन 6-6 महीने, 6-6, 8-8 महीने इनको विधवा पेंशन को नहीं मिल रही है, गरीबी रेखा के काटे में जितने भी तो समाप्त कर दिए, बहुत सारी ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जनता ने मतदान करने का मन बना लिया और मतदान करेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने पंचायत चुनाव का प्रचार प्रसार थमने के साथ ही दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत को लेकर और अपने समर्थित प्रत्याशियों की जीत को लेकर दावे कर रही है, लेकिन ये तो जनता ही बताएगी कि उनके लिए उनके क्षेत्र के लिए कौन विकास करेगा और कौन तरक्की ला सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़।